यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर डिवीजन है इंटीजर्स की, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में बात की थी कि माइनस पेयर्स में नजर आए, जोड़ों में नजर आए, तो हम प्लस लगाएंगे और बाकी काम वही करेंगे जैसे करते हैं सिंपल नंबर्स में। तो वही काम यहाँ भी करना है, हमने डिवाइड करना है 30 को 10 से और फिर उसके बाद माइनस देखेंगे कितनी बार है, उस हिसाब से हम साइन लगाएंगे। तो 30 को 10 से डिवाइड करें तो आप जानते हैं 10 3 30, डायरेक्टली 3 आ जाएगा। और माइनस यहाँ सिर्फ एक बार नज़र आ रहा है, 10 में माइनस नहीं है, पेयर नहीं बना, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो -3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको ओरली कर सकते हैं बिना कुछ रिटर्न वर्क, बिना कुछ कैलकुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ 50 डिवाइडेड बाय -5 है, फिर से हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 50 होता है, तो यहाँ 10 आ जाएगा और माइनस इसमें भी सिर्फ एक बार है, इसलिए माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट में -36 डिवाइडेड बाय -9 है, तो 36 को 9 से डिवाइड करना है, 9 4 36 होता है, तो 4 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस यहाँ दो बार है तो इसलिए प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस पेयर में आ गया यहाँ पर, इसलिए प्लस बन गया, तो +4 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट, 49 डिवाइडेड बाय 49 करना है यहाँ पर, 49 को 49 से डिवाइड करें तो 1 आता है, माइनस एक बार है इसलिए माइनस आ जाएगा। ई पार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, पहले हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट लगा है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो 13 एज इट इज़ रहने देंगे, डिवाइड का साइन इसी तरह से रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे क्या हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर -2 + 1 है, एडिशन है यहाँ पर, -2 और 1 को ऐड करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने पहले भी बात की कि हम टीम्स बनाते हैं, तो ये टीम माइनस की है, ये टीम प्लस की है, और माइनस और प्लस की दो अलग अलग टीमें हैं, तो इस वजह से इनको माइनस कर देंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे ये। तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1, और कौन सी टीम विनर रहेगी, जो ज़्यादा स्ट्रांग है, 2 यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा बड़ा है, उसका साइन है माइनस, तो माइनस की टीम विनर हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास पहले इनको ऐड करना है, वो बन गया -1, अब 13 को डिवाइड करना है -1 से। तो यहाँ 13 को पहले हम 1 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे साइन क्या आएगा। 13 को 1 से डिवाइड करें तो आप जानते हैं 1 से डिवाइड करने पर चेंज नहीं होता है, नंबर वही रहता है, तो 13 आ गया, और माइनस यहाँ पर सिर्फ एक बार है इसलिए माइनस भी आ जाएगा, तो -13 यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें 0 को डिवाइड करना है -12 से। 0 को आप जानते हैं किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद जी पार्ट देखें तो इसमें भी हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसे हमने ई पार्ट में की। यहाँ भी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो -31 ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड का साइन ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर, -30 है ये, और यहाँ दो साइन लगे हैं प्लस और माइनस, तो जब भी 2 3 4 अगर साइंस एक साथ आएँ तो उसमें बस माइनस काउंट करने कितनी बार है, यहाँ माइनस सिर्फ एक बार है तो एक माइनस आ जाएगा, दो बार होता माइनस तो प्लस बन जाता, तो जोड़े बनते जाएँ तो प्लस लगा देना है, बस सिंपल सा ये काम करना है, और साथ में 1 है। अब यहाँ फिर से अभी इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ही डिवाइड हम कर पाएंगे। तो -31 ऐसे ही रखा, डिवाइड ऐसे ही रखा, -30 -1 दोनों सेम टीम के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ही टीम के हैं तो इकट्ठे ये मिल जाएंगे, 30 और 1 31 बन जाएगा, और माइनस की टीम के थे तो माइनस ही साइन आ जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पर -30 -1 -31। अब डिवाइड करना है 31 को 31 से, तो 31 को 31 से डिवाइड करके आएगा 1, सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो 1 आता है, 31 1 31, तो 1 आ गया, और माइनस आप देख सकते हैं दो बार है, तो इस वजह से ये प्लस आ जाएगा, तो ये +1 यहाँ पर इसका आंसर आया। एच पार्ट, यहाँ भी दो बार डिवाइड करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 12 12 2 24 12 3 36, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ इसमें माइनस सिर्फ एक बार है तो माइनस आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला हमने सॉल्व किया, इसको अलग से रखेंगे, और आगे डिवाइडेड बाय 3 और है, तो अब 3 से और डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करें जैसे यहाँ 31 को 31 से किया था, वैसे यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा, और माइनस भी है यहाँ पर एक बार, इसलिए माइनस भी आएगा, तो -1 इसका आंसर बन जाएगा। आई पार्ट, यहाँ इसमें ब्रैकेट है, इसको अलग से सॉल्व करना है, और इसमें भी ब्रैकेट है, इसको अलग से सॉल्व करना है। पहले इसको देखते हैं, तो यहाँ 6 नेगेटिव है, 5 ये पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग टीम के हैं, इस वजह से इनको माइनस कर देंगे, 6 - 5 आपके पास आ जाएगा 1, और बड़ी टीम पावरफुल टीम माइनस की है, तो इसलिए -1 आ जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद नेक्स्ट ये देखें इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग टीम के हैं, तो इनको माइनस कर देंगे, 2 - 1, 1, और यहाँ भी पावरफुल टीम माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे, और बीच में दोनों के डिवाइड भी है, तो अब डिवाइड करना है 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 - 1 = 1, और दो बार माइनस साइन भी नजर आ रहा है तो वो प्लस बन जाएगा, पेयर बन गया माइनस का, इस वजह से प्लस 1 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होगा।